मसाला चना रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में भी इजी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल ऐड करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को थोड़ी देर तक हम सॉफ्ट कर लेंगे भूनकर। अब उसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और टमाटर डालकर हम इसे भून लेंगे। तब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे ढककर टमाटर को गलने सॉफ्ट होने तक इसे ढककर पकाएंगे ताकि मसाले भी हमारे भून जाए और टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ी देर हम इसे और भूनेंगे। मसाले हमारे भून चुके हैं तो अब हम इसमें चना ऐड कर देंगे। चने को मैंने बॉईल कर लिया था, देख सकते हैं आप बिल्कुल भी ये गल चुका है। अब इसमें हम छोला मसाला ऐड करेंगे। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अभी मैशर की मदद से हम इसे मैश कर लेंगे ताकि थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ जाए। इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। चना हमारा तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।